ऑलरेडी एक स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रखा है, क्या मैं इस स्कॉलरशिप को भी ले सकता हूँ या किसी और स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? तो इस सवाल का जवाब है सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी लोग, आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। फाइन सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम देने वाले कुछ ऐसे सवालों के जवाब जो यूजुअली कमेंट सेक्शन के अंदर आए जाते हैं, जिसके अंदर होता है कि भैया हमको ये स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रखा है, क्या हमको दूसरी स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, और ऐसे बहुत सारे सवाल जो कि आपके यूजुअली कमेंट सेक्शन के अंदर आते हैं। तो उसके सारे के सारे जवाब देने वाला हूं, उनका एक एक डाउट जो है क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक देख लीजिएगा। पिछली वीडियो के अंदर मैंने अनाउंस किया था कि मैं एक Q&A सेशन करने वाला हूं, तो आज वो Q&A सेशन लेके आ चुका हूं सभी सामने। पुराने स्कॉलरशिप से रिलेटेड डाउट्स आ रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे #Q&A लिख के आप डाउट सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस के अंदर मैं डाउट लेने वाला हूं Q&A से रिलेटेड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका डाउट आ रखा है मैं यहां पे कमेंट देख सकता हूं। जो पहला कमेंट है वो आप ब्लास्टर गेमिंग की तरफ से है, और वो भैया पूछते हैं कि भैया मैंने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भर दिया है तो क्या मैं ये वाली स्कॉलरशिप भर सकता हूं? तो इसका डाउट देते, इस टाइप के डाउट जो है बहुत सारे स्टूडेंट को आए थे, बट मैंने एक ही कमेंट लिया है क्योंकि सेम कमेंट लेने का कोई मतलब नहीं बनता। ओके, तो डाउट यह है कि क्या मैंने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑलरेडी भर दिया है तो क्या मैं प्राइवेट स्कॉलरशिप ले सकता हूं? तो इसका डाउट है, इस सवाल का जो जवाब है कुछ इस तरीके से कि देखो, अगर आपने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भरी है तो कुछ NSP की वेबसाइट से भरी होगी, राइट, या फिर आपकी कोई लोकल स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट से भरी होगी। बट ये जो प्राइवेट वेबसाइट है उनका उन वेबसाइट से कोई लिंक नहीं है, ठीक है? तो आप एक से ज्यादा वेबसाइट के लिए अप्लाई कर सकते हो, एक से ज्यादा स्कॉलरशिप के लिए बात अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो ये आपका डाउट मेरी तरफ से क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन है रूचि की तरफ से, वो पूछता है आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, और मेरे TFWS सीट है, तो स्कॉलरशिप पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आपको एक बात बता दूं, अगर आप TFWS सीट के अंदर हो तो आपकी स्कॉलरशिप के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा आपके जो मार्क्स है आपकी ब्रांच के अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट से ज्यादा है, तो चांसेस आर हाई कि आपको स्कॉलरशिप सबसे पहले मिले आपके अदर ब्रांचमेंट से, राइट। तो TFWS से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो एक अलग चीज है, स्कॉलरशिप कुछ एक अलग चीज है, दोनों का क्राइटेरिया एकदम अलग अलग है, राइट। जो अगला क्वेश्चन है हमारी तरफ वो है कि आई एम फ्रॉम नेपाल एंड कैन आई अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप्स? तो जो लोग नेपाल से बात कर रहे हैं, अगर वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे उनको कोई भी स्कॉलरशिप देखने को नहीं मिलती, बट अगर आपके भी वहाँ पे LIC वगैरह के सेंटर्स हैं या फिर हम बात करते हैं HDFC का सेंटर्स हैं तो ये स्कॉलरशिप आपको मिलने के चांसेस होते हैं। तो अगर जो भी बंदे नेपाल से देख रहे हैं तो उनको ये बता दूं कि ये ऐसे सीन है कि आपको नेशनल स्कॉलरशिप गवर्नमेंट के थ्रू जो मिलती है वो नहीं मिलने वाली, और जो दूसरी स्कॉलरशिप है वो आपको जरूर से मिलने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज के स्पॉन्सर्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर री लेवल के बारे में। री लेवल का टेस्ट क्लियर करके आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज एंड स्टार्टअप के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो। बेसिकली डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, उसके ऊपर जाना है, साइनअप करना है। जैसे कि री लेवल के अंदर एक कंपनी आ रखी है, इसका नाम है इसको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसका टीम साइज देख सकते हो, अबाउट कंपनी के अंदर जाओगे तो लीडरशिप देख सकते हो, जॉब रोल के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनिंग को आपको 6 LPA से ज्यादा का पैकेज मिल रहा है। रजिस्टर टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जैसे टेस्ट के लिए रजिस्टर करते हो आप अगले पेज पे आ जाओगे जहां पे आप अपनी कैटेगरी चूज कर सकते हो, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर एंड फुल स्टैक डेवलपर, उसी के अकॉर्डिंगली आपको यहां पे पैकेज भी देखने को मिलता है। यहां पे रिसेंटली जो हायर स्टूडेंट हैं उनका देख सकते हो, टेस्ट स्ट्रक्चर के अंदर जाके आप टेस्ट स्ट्रक्चर देख सकते हो। और जैसे दूसरी कंपनी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन इनोवेशन लैब्स करके कंपनी है जिसकी टीम साइज आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर जाओगे जॉब रोल के ऊपर तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर देख सकते हो, 29.5 LPA का पैकेज यहाँ पे देखने को मिलता है। री लेवल ने अब तक 7 करोड़ वर्क की जॉब जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराई है। साथ ही में अगर आप इनके टेस्ट के अंदर टॉप करते हो या फिर अच्छी रैंक लेके आते हो तो आपको भी री लेवल गुडीज प्रोवाइड कराते हैं, जिसके अंदर एप्पल के आईफोन, मैकबुक एंड बहुत सारे एसेसरीज प्रोवाइड कराते हैं। तो फटाफट जाओ, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, फटाफट जाओ साइनअप करो और अपनी ड्रीम जॉब पाओ। तो अब अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला कमेंट है वो है यहाँ पे लाफर ट्यूब की तरफ से, जिन्हें बोला कि भाई जी अगर मैं 12th क्लास में नहीं की हूँ, डायरेक्ट डिप्लोमा में किया हूँ, तो बीटेक से एडमिशन मैंने डिप्लोमा में लिया है तो क्या मैं स्कॉलरशिप ले सकता हूँ? तो हाँ भाई लोग, अगर आप डिप्लोमा में हो या फिर डिप्लोमा से बीटेक में आए हो तो भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, आप भी उन बराबर उन स्टूडेंट के बराबर माने जाओगे, बट शर्त यह है कि आपके 12th के परसेंटेज की जगह आपके डिप्लोमा के परसेंटेज काम आएंगे, राइट। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रबल राणा की तरफ से, वो पूछते हैं भैया यूपी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर दिया है, साथ में ये स्कॉलरशिप अप्लाई करूं या नहीं करूं? तो गाइस इस वीडियो का सबसे मेन टॉपिक पर आते हैं, जो सबसे बड़ा जो सवाल आ रहा है स्टूडेंट के बीच में कि मैंने ऑलरेडी एक स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रखा है, क्या मैं इस स्कॉलरशिप को भी ले सकता हूं या किसी और स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकता हूं, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? तो इस सवाल का जवाब है नहीं, आपको कोई भी अप्लाई नहीं आएगी। बस शर्त यह है कि आपको सेम वेबसाइट पे 2 बार अलग अलग वेबसाइट के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, तब आपको स्कॉलरशिप नहीं देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर आप अलग अलग जगह अप्लाई कर रहे हो, एक बार NSP पे कर दिया, एक बार LIC पे कर दिया, एक बार दूसरी स्कॉलरशिप पे कर दिया, तब आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली, ये मैं बता रहा हूं, ठीक है?
आई होप इसमें से 50% स्टूडेंट के डाउट तो क्लियर हो ही चुके होंगे। अगला सवाल है, ड्रॉपर हूँ एनएसपी पर स्कॉलरशिप के लिए ले सकते हैं क्या? तो जो लोग ड्रॉपर लोग हैं, मतलब अपनी ट्वेल्थ और इंजीनियरिंग के बीच में या अपनी ग्रेजुएशन के बीच में एक साल का ड्रॉप ले रखा है आपने, तो उनके लिए भी स्कॉलरशिप है, कोई दिक्कत नहीं है। बट शर्त यह है कि उनकी स्कॉलरशिप की वो जो क्राइटेरिया है कि 60% चाहिए, तो वो 60% होना जरूरी है, चाहे आपकी ट्वेल्थ में हो चाहे आपकी टेंथ में हो, है ना। तो ड्रॉपर को ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सुमित की तरफ से, और सुमित ने पूछा है कि भैया मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और मैं हिंदू कास्ट से हूँ, तो कौन सी स्कॉलरशिप मेरे लिए बेस्ट होगी? तो देखो भाई, अभी तक जो स्कॉलरशिप थी वो सबके लिए अप्लाई एप्लीकेबल थी, वो सब मैंने बताई थी। बट अपकमिंग जो स्कॉलरशिप है उसके लिए मैं जल्द ही एक ऐसी वीडियो बनाने वाला हूँ जो आपको पहले ही बता दूंगा कि ये स्कॉलरशिप जो है इन इनके लिए होने वाली है। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपसे कोई भी स्कॉलरशिप की जो वीडियो है, जो नोटिफिकेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो मिस ना हो, सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सबसे पहले अप्लाई कर सको, ठीक है। अब कुछ बच्चों का डाउट ये आ रहा था कि हमारे पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, तो या फिर है तो हमारे स्टेट का है तो सेंट्रल का चलेगा नहीं चलेगा? तो जिस वेबसाइट ने सेंट्रल का बोल रखा है वो सेंट्रल का ही अप्लाई होगा, और जहां पे स्टेट का बोल रखा है तो स्टेट का ही अप्लाई होगा। आप इंटरचेंज करोगे तो आपकी स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजेंद्र का, वो बोलते हैं भैया मैंने एनएसपी और कीप स्माइलिंग इंडिया कॉलगेट वाली स्कॉलरशिप दोनों में अप्लाई किया, तो मिल सकती है क्या? जरूर मिल सकती है, क्योंकि दोनों की वेबसाइट जो है अलग अलग है। एक की है आपकी बड़ी फॉर स्टडी और एक की आपकी एनएसपी है ना, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो दोनों वेबसाइट अलग अलग है, आप जरूर से अप्लाई कर सकते हो और दोनों ही ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगला है एम ऑफ लाइफ, भैया केवल जिनकी मम्मी या पापा में से किसी की एक की डेथ हुआ है कोविड की वजह से तो उनको ही मिलेगा, या फिर किसी पहले से किसी की डेथ हो रखी तो उनको मिलेगा? अच्छा, तो ये बात करने हैं अभी आदित्य बिरला स्कॉलरशिप की। तो आदित्य बिरला स्कॉलरशिप के अंदर अगर आपकी पेरेंट्स की डेथ ड्यू टू कोविड होती है तो ही वो आपको मिलती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपके पेरेंट्स में से किसी एक की भी डेथ ड्यू टू कोविड होती है, कोविड के अंदर होती है और कोविड की वजह से होती है, तो ही वो स्कॉलरशिप आपके लिए अवेलेबल है, बाकी वो स्कॉलरशिप आपके लिए अवेलेबल नहीं होगी। अगर पहले किसी की डेथ हो रखी है तो उस रीज़न से ये स्कॉलरशिप मिलने के जो चांसेस है वो गिर जाते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भैया इट्स एसके इसकी तरफ से आ रखा, भैया LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप का फिल कर दिया है, आगे कुछ नहीं हुआ? तो पार्ट फिल, आपने फॉर्म फिल कर दिया, बेसिकली ये बोल रहा कि मैंने फॉर्म फिल कर दिया, उसके आगे का प्रोसीजर बताओ। तो प्रोसीजर ऐसा है कि उनकी LIC की वेबसाइट पे ही एक लिस्ट निकलेगी, वहां पे स्टूडेंट्स के नाम अनाउंस होंगे। जिन जिन स्टूडेंट को नाम अनाउंस होंगे, वहां पे आपने ईमेल आईडी और डाल रखी थी, वो ईमेल आईडी पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आपको जब भी स्कॉलरशिप मिलती है आपकी ईमेल आईडी पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, या फिर आपकी वेबसाइट पे जाके उस लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा। तो आपको मतलब बेसिकली इस तरीके से कि आपको नोटिफिकेशन दे देंगे कंपनी वाले, है ना, एक लिस्ट भी निकालेंगे कि पर्टिकुलर स्टूडेंट को वो लिस्ट में स्कॉलरशिप मिली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद कैफ की तरफ से, भैया प्रगति वाला नहीं हो रहा बिकॉज कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहा है। अगर सबसे पहली बात, तो अगर ये आप बॉय हो मोहम्मद कैफ, तो प्रगति स्कॉलरशिप गर्ल्स के लिए होती है। अगर आप बॉय हो और फिर भी आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहा है और आप जनरल से हो, कोई गर्ल भी इस वीडियो को देख रही है तो ये देख लो, अगर आप जनरल से हो और आपके फिर भी कास्ट सर्टिफिकेट मांगता है तो आप उसके अंदर EWS वाला अप्लाई कर सकते हो, या फिर जनरल से हो तो कोई अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये चीज़ समझ लेना थोड़ा सा। तो गाइस, ये सारे डाउट थे आप लोगों की तरफ से, आए रखे थे मेरे पास बहुत दिनों से, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के सबको एक डाउट क्लियर कर देते हैं। आई होप आपके भी डाउट क्लियर हुए होंगे, अगर नहीं हुए तो इस वीडियो के नीचे #Q&A लिख के डाल देना, मैं आप अगली अपकमिंग Q&A वीडियो के अंदर इसको जरूर से उठा लूंगा, ठीक है। तो आई होप यार मेरी वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो रही होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है तो मेरे लिए भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो बेल वाला आइकन निकल के आएगा वो जरूर से दबाओ, जिससे क्या आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। बाकी ये वीडियो जिसके भी काम आ सके उसके साथ शेयर कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।